27. ये तो हमने किया हुआ है। पेज नंबर 127। 127। जी टीचर कैन आई रीड? टीचर कैन आई रीड? कैन आई रीड? वेट, करें अब्दुल जुबान आप रीडिंग करें। जस्ट वन पैसेज आपने रीड करना है। ये यहाँ से था ना जानवरों के साथ सलूक? नहीं, गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक। अच्छा, गैर मुस्लिमों के साथ सलूक, दूसरों के काम आने में गैर मुस्लिमों के साथ हंसने सलूक भी पसंदीदा अमन है और इसका कौन सा पेज है? 127। इन इस्लाम की रगबत पैदा हो जाए और वो मुसलमान होकर हमारे हमारे दीने भाई बन जाए। अगला भी पढ़ो। हाँ जी पढ़े। एक दफा मक्का में खता पड़ा लोगों ने, कहत पड़ा लोगों ने हड्डियां और मर्दार भी खाने शुरू कर दिए। अबू सुफियान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और दुआ की दरख्वास्त की। अगर चाह कुरैश ने मुसलमान को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की आसानी के लिए बारिश की दुआ कर दी, जिससे बारिश हो हुई और कहर दूर हो गया। इस हदीस से हमें पता चला कि किसी भी इंसान बन के जानदार के साथ अच्छा सलूक करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आगे ज़ैनब आप रीडिंग करें। ओके टीचर। जानवरों के साथ सलूक। जानवरों के बारे में भी इस्लाम ने अच्छा सलूक करने की हदायत की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं। मवाके पर ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं जिनसे पता चलता है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने मसलन उनको पानी पिलाने, उनको उनकी देखभाल करने और उन्हें चारा खिलाने वाले को सवाब मिलेगा। इसी तरह जानवरों पर जुल्म और बेरहमी का मालमा करना अल्लाह ताला को नाराज करने वाला और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। हमें इससे बचना चाहिए। अमल करने की बात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। नफा का क्या मतलब? नफा का मतलब है फायदा पहुंचाने वाला हो। जो शख्स लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला होता है ना, वो बेहतरीन शख्स होता है। कल हमने जो मैंने आपको समझाया था, वो मैंने समझाया था यतीमों और बेवाओं के साथ सलूक तक,
कि जो शख्स यतीम वो होता है जिसके फादर की डेथ हो गई होती है, और बेवा उस औरत को कहते हैं जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, तो उनका तो कोई भी नहीं होता है। तो अगर कोई शख्स उनकी हिफाजत करता है, उनको खाने पीने की चीज़ें फ्राहम करता है, उनका ख्याल रखता है, तो वो शख्स क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और अगर कोई शख्स उनका ख्याल रखता है बेवा औरत का और मस्कीन का, और उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपनी तरफ से बेस्ट देता है, तो क्या होता है कि उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे वो दिन को रोजा रखता है और रात भर वो इबादत करता है। नेक्स्ट है बीमारों की खिदमत। बीमार कौन होता है? जिसकी तबीयत ठीक ना हो, जिसको कोई बीमारी लाहक हो, या जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम देखें कि कोई शख्स बीमार है तो उसके इलाज मुआलजे का यानी उसके ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करें। अभी तो आप छोटे हैं, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पता चले कि कोई बीमार है, आपकी कोई कज़न बीमार है या आपकी खाला बीमार है, तो आप जाएँ, आप जाके उनका हाल पूछें और अच्छे तरीके से उनका हाल पूछें और उन्हें दुआ दें कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। क्योंकि जब हम किसी बीमार को दुआ देते हैं तो उसमें हमें सवाब मिलता है, और अगर हम किसी बीमार का हाल पूछ जाते हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत होती है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अब नेक्स्ट है गैर मुस्लिमों के साथ उसके सलूक। गैर मुस्लिम कौन होते हैं? तो मुस्लिम नहीं होते। हाँ जी, जो लोग मुसलमान नहीं होते उन्हें गैर मुस्लिम कहते हैं। तो गैर मुस्लिम अब क्या करते थे? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो के साथ तो बहुत बुरा सलूक करते थे, आपके ऊपर बहुत जुल्म करते थे। लेकिन एक दफा ये हुआ कि बारिश नहीं हो रही थी, तो अबू सुफयान जो था वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहा कि हम लोग जो हैं बहुत बुरे हालात में हैं, हम लोग मरे हुए जानवर खा रहे हैं और हड्डियां खा रहे हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो ताकि हमारी फसल उगे। टीचर जी, जाना टीचर बैटरी थोड़ी, आपने कितना काम करवाना है आज? थोड़ा सा ही करवाना है। क्यों टीचर? बैटरी बहुत थोड़ी है इसलिए मैं का मोबाइल ना बंद हो जाए, इसलिए नहीं होता बंद इंशाल्लाह। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि उन्होंने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए हैं, मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फौरन दुआ की, और जब कोई नबी दुआ करते हैं किसी के लिए तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। अब जानवरों के साथ सलूक, जानवरों के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए? हमें उन्हें पानी पिलाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, और हमें जानवरों को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। अगर हम देखें कोई जानवर भूखा है तो उसे खाना डाल दे, इसी तरह से उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। अगर आप जानवर घर में नहीं रख सकते तो ना रखें, लेकिन अगर आप बाहर कोई जानवर देखें जिसे प्यास लगी हुई है, जिसे भूख लगी हुई है, जो भूखा है, तो उसकी जरूरत का ख्याल करते हुए उसकी जरूरत पूरी करें। क्योंकि जानवरों के साथ सलूक करने पर भी हम जो भी काम करते हैं ना, सिर्फ ये नहीं कि हम गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। हम अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमें अल्लाह ताला सवाब ही देते हैं और अल्लाह ताला खुश होते हैं। और आपको पता है, अगर हम किसी के लिए आसानी करते हैं, किसी के लिए अच्छा मामला फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमा देते हैं, हमारे कामों को आसान कर देते हैं, हमारे मामला को अच्छा कर देते हैं। पेज नंबर 128 खोलें। पेज नंबर 128 इसमें लिखा हुआ है
और बुरे काम को मिलाकर लिख लिया गया है, आप इन्हें अलग अलग कॉलमों में लिखें। अच्छे काम भी लिखे हुए हैं उनके लिए अलग से कॉलम है, बुरे कामों के लिए अलग से कॉलम है, और ऊपर सारे काम मिला के लिखे हुए हैं। अब हमने इनको अलग अलग लिखना है। अब किसी को पढ़ना लिखना सिखाना है कि अच्छा काम है या बुरा काम है। चले लिखे इसको, अच्छे काम में लिखे, इसके ऊपर टिक कर दे और लिखे अच्छे काम में। यतीम की काफिनत करना। अच्छा, किसी को पढ़ना लिखना सिखाना है, आपने अच्छे काम में लिखना है। नेक्स्ट है यतीम की कफालत करना, इसके ऊपर भी टिक अच्छा। करेंगे, भी अच्छा काम है, इसको अच्छे काम में लिखें। यतीम की कफालत करना अच्छा काम। आगे है रास्ते में फलों के छिलके फेंकना, इसके ऊपर क्रॉस करें और इसको बुरे काम में लिखें। रास्ते में फलों के छिलके फेंकना, ये बुरे काम में लिखना है। नेक्स्ट है मस्कीनों की मदद करना, ये अच्छा काम है, इस पर टिक करें और इसको अच्छे काम में लिखें। अच्छे कामों पे साथ साथ टिक करते जाएं और गलत कामों पे क्रॉस करते जाएं। Thank you.
मस्कीनों की मदद करना अच्छा काम। नेक्स्ट है बिल्ली को पत्थर मारना, इसको क्रॉस करें और बुरे काम में लिखें। बिल्ली को पत्थर मारना, इसको बुरे काम में लिखें। रास्ते नहीं, कुत्ते के गले में रस्सी बांध कर खींचना, ये भी गलत काम है, इसको क्रॉस करें, बुरे काम में लिखें। पासपोर्ट जल्दी जल्दी करें। जानवरों और परिंदों के लिए पानी रखना, इस पर टिक करें और अच्छे काम में लिखें। I have done. सारा कर लिया आपने? Yes, teacher. Very good. Next है कमजोर निगाह वाले को रास्ता दिखाना, इसको टिक करें और अच्छे काम में लिखें। ठीक है, मैंने भी कर लिया है। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट, जानवरों को भूखा रखना, इस पे क्रॉस करें, बुरे काम में लिखें। बीमारों की आयादत करना, इस पे भी टिक करें, इसको अच्छे काम में लिखें। जी, मैंने भी कर लिया। किसने किया? इब्राहिम, आपने किया? हाँ हाँ टीचर, मैंने भी कर लिया। वेरी गुड, माशाल्लाह। मैंने भी कर लिया। राइटिंग भी नीट नीट करनी थी है ना, आपने जल्दी जल्दी में गंदा काम किया। लास्ट है नेकी से रोकना, इसको क्रॉस करने में बुरे काम में लिखें।
जी क्या हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे? क्या कहा आपने, क्या कब स्टार्ट करेंगे? हदीस का काम? अभी करते हैं, मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ, देखें आप सबने ठीक लिखा है। किसी को पढ़ना लिखना सिखाना अच्छा काम, यतीम की कफालत करना अच्छा काम, रास्ते में फलों के छिलके फेंकना बुरा काम, मस्कीनों की मदद करना अच्छा काम, बिल्ली को पत्थर मारना बुरा काम, कुत्ते के गले में रस्सी बांध कर खींचना बुरा काम, जानवरों और परिंदों के लिए पानी रखना अच्छा काम, कमजोर निगाह वाले को रास्ता दिखाना अच्छा काम, जानवरों को भूखा रखना बुरा काम, बीमारों की आयादत करना अच्छा काम, नेकी से रोकना बुरा काम। नेक्स्ट पेज नंबर 129 खोलें। क्वेश्चन आंसर दें। हमने क्वेश्चन आंसर हमने मार्क करने हैं। सबसे पहले है दूसरों के काम आने के चंद काम जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, लिखें। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अली दरवाजा बंद करो, अली। इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर वन का मस्किनों की मदद करना, बीमार के लिए दुआ करना, और टीचर ये ठीक कह रखनी जरा। पेज नंबर 125 खोलें। पेज नंबर 125 खोल लिया? यस। इसी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है प्यासों को पानी पिलाना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट हो रहा है। पानी पिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, यहाँ के क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट हो रहा है। कौन सा पैराग्राफ और इसके बीच में स्टार्ट हो रहा है? ये कौन सा पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। प्यासों को फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन है प्यासों को पानी पिलाना, बस इतना ही। यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट हो रहा है। आगे फिफ्थ लाइन में जहाँ पे पैसेज एंड हो रहा है, ये सब अच्छे काम हैं। ये सब अच्छे काम हैं। ये सब अच्छे काम है, यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर वन। निकाल लिया निशान सबने? यस। दूसरों की मदद करने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों की मदद करने के बारे में हदीस लिखें। पेज नंबर 125
लास्ट पैसेज देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। पेज नंबर 125 लास्ट पैसेज मिला आपको इस लास्ट पैराग्राफ में कि कौन सी लाइन जहाँ पे ये लिखा हुआ है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। जी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ लाइन पे लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है पानी डाल देना सदका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो, पानी डाल देना सदका है, जहाँ पे पैसेज एंड हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है। यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में किसके करीब होगा? पेज नंबर 126 खोलें। इसमें लिखा हुआ है यतीमों और बेवाओं के साथ सलूक, नजर आया? लेकिन मुझे आंसर भी मिल गया। हाँ जी, इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह करीब होंगे, यहाँ से लेके जहाँ पे पैसेज एंड हो रहा है, दरमियान थोड़ी सी कुशादगी रखी यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बेवा और मिस्कीन की मदद करने का ऐसे सवाब मिलता है। नेक्स्ट है, बेवा और मिस्कीन की मदद करने वाले को कैसा सवाब मिलता है? जी इसके नीचे वाली लाइन आपकी आवाज नहीं बेटा आ रही। टीचर आपकी सही आवाज नहीं आ रही। फिलहाल लगता है आपका नेट का इशू है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। बेवा और मसीह की मदद करने वाले को कैसा सवाब मिलता है? पेज नंबर 126 पे जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ है, उसके नीचे से ही क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह बेवा औरत और मस्कीन की जरूरत में, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। और रात भर इबादत करता हो, यहाँ तक क्या हो? या इसके अलावा में काम जी फिलजा कौन सा क्वेश्चन मार्क करवाऊं? अच्छा मैं बताती हूँ, फातिमा जी आप क्या कह रही हैं? टीचर हमने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पे करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर्स आपने कॉपी पे करने हैं और इनके क्वेश्चंस के आगे लिख ले लॉन्ग क्वेश्चंस LQ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं तो वो भी हम मार्क करेंगे। इनके लिखे LQ लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आगे करेंगे? नहीं, अभी पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर। सबक में दिए गए या इसके अलावा नेक कामों में से जो आपने किए हैं या आइंदा करने का इरादा है लिखें। अब हमने अच्छे काम लिखने हैं,
जो लड़के हैं वो लिखेंगे मैं करूंगा जैसे अच्छा सलूक करूंगा, और लड़कियां लिखेंगी करूंगी। पहले दो अच्छे काम उन्होंने हमें लिखे हैं। मैं बीमारों की आयादत करता हूँ, मैं मासी की बेटी को लिखना पढ़ना सिखाऊंगी। नीचे लिखे मैं जानवरों के साथ, मैं जानवरों के साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं जानवरों के साथ अच्छा सलूक करूंगी। नेक्स्ट लिखें मैं रास्ते से, मैं रास्ते से तकलीफ दे चीज, ये क्या था, मैं रास्ते से तकलीफ, मैं रास्ते से तकलीफ दे चीज दूर करूंगी। डीजे दोबारा बोलना। मैं रास्ते से तकलीफ दे चीज दूर करूंगी। नेक्स्ट है कमजोर निगाह वाले को, कमजोर निगाह वाले को रास्ता बताऊंगी। कमजोर निगाह वाले को रास्ता बताऊंगी। मैं जानवरों को, क्या नहीं मैं क्या नहीं मैं जानवरों को खाना खिलाऊंगी। अगर आपने इसको उठाया ना मैं यहाँ खिड़की में बैठा हूँ। भगवान आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है। कान को म्यूट कर दे, आपको म्यूट करो। मैं जानवरों को खाना खिलाऊंगी। नेक्स्ट लिखे मैं लोगों को, मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगी। नेक्स्ट
मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगी। नेक्स्ट, मैं किसी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। मैं किसी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। Yes, teacher, next. Teacher, next बताएं. Next लिखना है, मैं लोगों को बुराई से रोकूंगी। मैं लोगों को बुराई से रोकूंगी। मैंने कर लिया। मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ, देख लें सबने ठीक लिखे। मैं बीमारों की आयादत करता हूँ। मैं मासी की बेटी को लिखना पढ़ना सिखाऊंगी। मैं जानवरों के साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं रास्ते से तकलीफ दे चीज दूर करूंगी। कमजोर निगाह वाले को रास्ता बताऊंगी। मैं जानवरों को खाना खिलाऊंगी। मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगी। मैं किसी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। मैं लोगों को बुराई से रोकूंगी। इतना हो गया सबका? यस यस टीचर। जी, शॉर्ट क्वेश्चंस मारने। किसी का कुछ रह तो नहीं गया? हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, अच्छे और बुरे काम अलग अलग लिखे हैं और नए कामों की लिस्ट बनाई है। टीचर शॉर्ट समझ नहीं आ रही आपकी? क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मेरे क्वेश्चन आंसर रह गए थे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स रिपीट कर देती हूँ, आप लगाएं निशान। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 125 पे है। पेज नंबर 125 फर्स्ट पैसेज की सेकंड लाइन। फर्स्ट पैसेज की सेकंड लाइन, प्यासों को पानी पिलाना। यहाँ से जहाँ पे पैसेज एंड हो रहा है, बीमारों की आयादत करना, ये सब अच्छे काम है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की मदद करने के बारे में हदीस लिखें। ये भी पेज नंबर 125 पे, लास्ट पैसेज कंप्लीट। तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। यहाँ से लेके पानी डाल देना सदका है, यहाँ तक मिल गया फिलसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में किसके करीब होगा? फिलहाल आपको फर्स्ट टू क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। फिलसा